Hello students, in this video we are going to do word meaning and question answer of poem 2 of class 7th, The Rebel. So we'll begin with word meaning. First word is rebel, opposer, oppose karne wala, virodh karne wala, disturbance, noise, shore, soberly, not bright, dressed not bright colors, dressed not in bright colors, regret, repent, पश्चाताप. जब हम कुछ गलत काम करते हैं हमें पश्चाताप होता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, regret और repent. थोड़े से क्वेश्चन आंसर इन स्टूडेंट्स. If someone is not in uniform, what will teacher say? अगर कोई यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो टीचर उसको क्या कहेगी? The teacher will scold him. टीचर जो होगी वो उसको डांटेगी. Scold का मतलब होता है डांटना. When everyone wants clear sky, what does rebel want? जब हर कोई चाहता है कि आसमान साफ हो तो उस समय rebel की क्या इच्छा होती है, rebel की क्या इच्छा होती है? He wants rain. या the rebel wants rain. Rebel चाहता है कि बारिश हो. If rebel has a cat as a pet, what is everyone else likely to have? अगर rebel के पास बिल्ली है एक पालतू जानवर के रूप में तो फिर औरों के पास क्या होगा? अब जैसे हमें पता है कि अगर rebel के पास cat है तो इसका मतलब औरों के पास dog होगा, क्योंकि जो रिबेल है वो हमेशा औरों के अपोजिट काम करता है. एवरी वन एल्स हैज़ विश टू हैव डॉग्स. औरों की जो इच्छा होगी, उनकी इच्छा होगी कि उनके पास डॉग्स हों. वाई इट इज़ गुड टू हैव रिबेल्स. इट इज़ गुड टू हैव रिबेल्स एज दे मेक लाइफ कॉम्पिटिटिव. रिबेल्स होना ज़रूरी है क्योंकि उससे जो लाइफ होती है उसमें और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है लाइफ. वो कुछ नया करते हैं, जो लाइफ होती है वो बोरिंग नहीं होती. वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबेल वन सेल्फ. इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबेल वन सेल्फ एज बींग रिबेल इज़ नेगेटिव क्वालिटी एंड नो वन लाइक्स रिबेल. हमें रिबेल नहीं होना चाहिए क्योंकि रिबेल होना एक नेगेटिव क्वालिटी है और कोई भी इंसान रिबेल्स को पसंद नहीं करते. ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो हर बात के अगेंस्ट हो, जो हर बात का अपोज करें. Do you like to be rebel? If no, why? If yes, why? No, I don't want to be rebel. Why should I oppose all every time? If I like something, I should accept and follow it. मेरी ये खुद की विचारधारा है कि मुझे रिबेल नहीं बनना, क्योंकि मैं हमेशा हर किसी की बात का अपोजिट क्यों करूं? अगर मुझे किसी बात, किसी इंसान में कोई बात अच्छी लगती है तो मुझे उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. ये बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हर इंसान के व्यूज़ अलग हो सकते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ हमने ली हैं बच्चों आपके लिए जिससे ये पोएम और भी इंटरेस्टिंग हो. राइट द थिंग्स यू अपोज एंड वाई. तुम लोगों को कौन सी चीज़ें नहीं पसंद और क्यों? डू पीपल अपोज यू वैन. क्या लोग आपको अपोज करते हैं, आपकी कुछ बातों को वो अपोज करते हैं? ऐसा कब होता है आपके साथ? Write your views on rebel in rough notebooks. आप अपने views लिखो एक rebel के बारे में, जो rebels होते हैं उनके बारे में आपका क्या views है, ये आप rough notebook में लिखो. So बेटा किस तरीके से आप ये जो poem है rebel, इसके word meaning और question answer हमने बहुत ही easiest way में किए ताकि आप लोगों को easy language में समझने को भी मिले और आपको लिखने में भी आसानी हो. Thank you.